सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक, आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो बात करते हैं ऑयल रिग प्लेटफॉर्म ऑफशोर वगैरह के बारे में। थोड़ा बेसिकली बेसिक ये है कि बहुत फ्रेशर लोग या फिर बहुत जो न्यू कमर्स है या फिर जो स्टूडेंट्स है, काफी लोग इस चीज के अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या है कि बहुत ही कम एज में इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमें ये पोस्ट मिले, हमें यहाँ काम मिले। क्या रीजन है? और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा है, ओनली मनी। कम स्टेज में, कम एज में आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बेसिक नॉलेज काफी है। और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप कोई भी डिग्री करो तो भी चलेगा, अगर 12th साइंस कर रहे हो, 12वीं पास कर रहे हो तो भी काफी है। लेकिन अगर जितना कम क्वालिफिकेशन रहेगा उतने ही कम लेवल पे आपको जॉब मिलेगा। लेकिन इस फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर स्किल्स, जो भी टेक्निकल रिलेटेड जितने भी स्किल्स है उसके बेस पे अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। 12th साइंस के बाद भी आप कर सकते हो, डिप्लोमा के, कोई भी डिप्लोमा के बेस भी आप कर सकते हो, लेकिन 10th पास के बाद मत जाइए, एटलीस्ट 12th साइंस कीजिए तो ताकि आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एजुकेशन कंटिन्यू करना कर सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, कोई भी बंदा कर सकता है। रिग प्लेटफॉर्म जैसे जॉब, ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म में जॉब में जाने के लिए बेसिक नॉलेज और बेसिक से बेसिक 12th पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा डिग्री। आप जितने हाई लेवल क्वालिफिकेशन करोगे उतने ही हाई टॉप पे जाओगे। आप इस फील्ड में दो तरह के, एक तो आपको साइड में काम करना है, एक ऑफिशियल। ऑफिस में काम करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म शिप, ऑयल रिग, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफशोर रिलेटेड, जितने भी रिग्स है, जितने भी शिप है, वहां पर डायरेक्ट विजिट करने का जरूरत नहीं। आपको शायद कोई पोर्ट में या फिर जो उसके रिलेटेड जितने भी ऑफिस है वहां पर भी आप काम कर सकते हो एज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितने भी काम है। अगर आप साइट रिलेटेड में जा रहे हो तो आपको विजिट करना कंपलसरी है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा अभी जो जनरेशन है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेन है आपको सैलरी अच्छा तगड़ा मिलेगा, आप अच्छे खासे टाइम में अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे, आपका पोजीशन रैंक की वजह से आपका नाम होगा। जो आप काम कर रहे हो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो टाइटल है ना मर्चेंट नेवी का, कि भाई मेरा बंदा लड़का तो रिग में काम कर रहा है, तो बस उतना ही काफी है कि फैमिली में, रिलेटिव्स में, गांव में नाम एक फेमस होने के लिए। और तीसरा, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी कंट्री विजिट कर सकते हो। चौथा पॉइंट, इंटरनेशनल होटल्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, काफी लाइफ एकदम रॉयल लाइफ है। और पांचवा, फूड। आपको 5-star से भी ज्यादा फैसिलिटी का फूड मिलेगा, क्योंकि डेली यहाँ कुक होता है। ऐसा ये नहीं कि आज कुक कर लिया कल हमें फिर वही खाना मिलेगा, नहीं, तीनों टाइम का, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, तीनों टाइम में तीनों का अलग अलग खाना बनता है। यहाँ का रूल यही है कि 4 से 5 घंटे के बाद उस खाने को कैसे भी करके मिक्सर में डाल के पीस के पानी में छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको गार्बेज बैग में डाल के और कोई कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, तो फूड क्वालिटी में टॉप है। अब एज क्या है, 17.5 से लेके 50 एज तक काफी है। मर्चेंट नेवी फील्ड के अंदर 55-60 में भी लोग काम करते हैं, लेकिन बॉडी और स्ट्रक्चर के हिसाब से 50 तक काफी है। आपका 17.5 कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलग अलग काफी इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको जो भी रिलेटेड जितने भी टेक्निकल वर्क है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे प्लम्बर का हो, टेक्नीशियन का हो, क्लीनर का हो, वेल्डिंग का हो, सुपरवाइजर का हो, काफी कुछ इसके अंदर आप अलग अलग कोर्स कर सकते हो। अगर आपको हाई रैंक में जाना तो आप सेफ्टी की पोस्ट में काम कर सकते हो, इंजीनियर के रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हो, और जो भी इसके रिलेटेड और भी आगे स्टेप बाय स्टेप है उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपके जॉब होने के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हो। ये है अभी का न्यू जनरेशन, इसके पीछे इसलिए पागल है कि मेन पैसा है। उस टाइम 2013 में जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, 2012 में मैं पास आउट हुआ था, तो 13 में जब मैंने स्टार्टिंग में पहली बार जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म देखा था, तब उसी मेरे हिसाब से मैं काफी पैसा कमा चुका था 3-4 महीने में। तो वहां पर एज नहीं मैटर करता, वहां पर काम मैटर करता है कि आप कितना देर तक वहां रह सकते हो। अगर आपका स्किल प्रोफेशन में बहुत पकड़ है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, तो आपका जो कंपनी है वो आपको कंटिन्यू रखेगा। अगर आप कंपनी में मतलब काम नहीं कर रहे हो, कुछ रहता है ना आलसपन वगैरह, अगर ऐसा ही स्टार्टिंग में दिखाओगे तो फिर आपको वो कंपनी आगे हायर नहीं करेगा, वो आपको ब्रेक देगा। हाँ, ऐसे कुछ जॉब्स में ये बात है कि आप 7 से 8 महीना प्लेटफॉर्म रिग में काम करने के बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक का आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा। रिग प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको जो सैलरी है वो कंटिन्यू है, 15 दिन काम करने, 28 दिन काम करने, और 28 डेज का ब्रेक रहता है, उसका भी सैलरी जोड़ के दिया जाता है। ट्रैवल वगैरह जो भी अलाउंस है वो कंपनी प्रोवाइड करता है, आपके घर तक पहुंचने का सारा खर्चा कंपनी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑयल रिग मर्चेंट नेवी प्लेटफॉर्म्स जो भी जितने रिलेटेड है, अब जॉब क्या है,
समुद्र के अंदर जिस तरह गल्फ कंट्री के अंदर से तेल कुआ जो कुएं का तेल होता है जहां से जमीन में से ड्रिल करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसी तरह ऑफशोर फील्ड के अंदर भी समुद्र में ड्रिल करके पाइप के जरिए तेल निकाला जाता है। उस तेल को प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर होता है और वो प्लेटफॉर्म पर उसको रिफाइन करता है उसका प्रॉपर मेथड की तरह से, क्योंकि ऑनशोर से ज्यादा हैवी रिस्क ऑफशोर में है। ऑनशोर में अगर कुछ इमरजेंसी होता है, फायर होता है, तो आपके पास रूट से भागने के लिए ऑफशोर फील्ड में बिल्कुल नहीं है। समुद्र में कहां भागोगे, डूब मरोगे। इतना तेल जब आग पकड़ता है ना तो समुद्र को भी जलाता है, लेकिन समुद्र क्या बोलते हैं, ऊपर का जो लेयर जब तक ठंडा नहीं होता ना वो लेयर ही जलता रहेगा, डीप में वो फायर नहीं जाता, ऊपर के लेयर तक ही रहता है। और जब वो क्रूड ऑयल के जो पार्टिकल पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो वो लेयर भी खत्म हो जाता है, वो फायर वहीं बुझ जाता है। तो अब भागोगे के कहाँ, ऊपर से आप प्लेटफॉर्म के नीचे हो तो सर पे कुछ गिरेगा ही गिरेगा अगर कुछ फायर एक्सीडेंट होता है तो। ऑनशोर में क्या कि आपके पास चांसेस बहुत है भागने के लिए, तो वहां पर रिस्क दोनों में है, लेकिन सबसे ज्यादा हेवी रिस्क यहाँ पर है, यहाँ फैमिली से दूर हो। हाँ, मैंने डिसएडवांटेज तो कहना ही भूल गया, डिसएडवांटेज क्या क्या है। आपको एडवांटेजेस काफी कुछ मिलेगा इस फील्ड के अंदर, लेकिन डिसएडवांटेज ये है, एक कम्युनिकेशन, आप फैमिली से अगर काफी अटैचमेंट हो ना, मेरे केस में तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं था, इसीलिए मैं कम से कम 17 की उम्र में मैं मर्चेंट नेवी मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि खास कुछ अटैचमेंट था नहीं। लेकिन अगर आप फैमिली से काफी क्लोज हो, काफी हो, अटैचमेंट टूट जाएगा, क्योंकि 6 महीना 7 महीना 8 महीना काम करना है। कभी कभी क्या होता है, काम ऐसा होता है कि आप चाहकर भी घर नहीं जा पाते, सिचुएशन होता है। इमरजेंसी केस में ही आपको अलाउड किया जाता है, वही कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप नहीं जा सकते, आपको जब तक शिप है समुंदर में तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट है तब तक रुकना ही पड़ेगा। कुछ फिर भी अगर बहुत कुछ ज़्यादा इमरजेंसी केस होते हैं, मैंने देखा है न्यूज़, वहाँ तक पहुँचने में, उस बंदे तक पहुँचने में शिप में काफ़ी टाइम लगता है, फिर वो 2 से 3 दिन उसको फिर घर पहुँचने में लगता है, ये सब एक फैमिली अटैचमेंट टूट जाएगा, आपके रिलेटिव जितने भी उससे कनेक्शन टूट जाएंगे, आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइक आप रहते हैं फ्रेंड्स से वगैरह बातें करो, घर फैमिली से परिवार से घूमते फिरते रहो, काफ़ी जो भी ऑनशोर जो भी जमीन रिलेटेड जितने भी काम है वो सारा काम समुंदर में पहुँचते सब खत्म हो जाएगा। यही एक रीज़न था कि 2017 में मैंने इसे क्विट किया था। पैसा तो कमा लोगे काफ़ी, लेकिन आपका जो रिलेटिव है, फैमिलीज है, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपका डेली रूटीन है, फ्रेंड्स है, आपका जो बातचीत करना रहता है, कुछ भी अगर इमरजेंसी केस होगा, आपको कभी कभी गिल्ट फील होगा कि भाई इतना इमरजेंसी केस हो गया, मैं वहाँ पर क्यों नहीं है, मुझे वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, मैं होता तो काफ़ी कुछ कर सकता था। तो ये सारे जो फीलिंग्स है वो सब टूट जाएंगे। यही है, अगर आपको पैसा कमाना है कम से कम एज में तो आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हो, लेकिन अगर आपको सब पूरा फैमिली कंटिन्यू लेके जाना है तो आप इसके अंदर, मैंने देखा है काफ़ी लोग 4-5 साल काम करने के बाद क्विट कर देते हैं। मेरा भी एक दोस्त है, उसने भी फैमिली सब कुछ प्लानिंग हो गया, सब कुछ सेट हो गया, वही कह रहा कि नहीं आप, मैं ये फील्ड में छोड़ दूंगा, मैं घर जाऊंगा बिजनेस करूंगा, क्योंकि आप अपना फैमिली का जो आप, अगर आपके बच्चे वगैरह है तो यार उनका बचपन, उनका जो जो धीरे धीरे जो बड़े हो रहे, जो उनके साथ में जो मस्तियाँ है वो आप नहीं एंजॉय कर पाओगे। फोन टू फोन कितना देख लोगे, बच्चा बाद में यही बोलेगा मेरा बाप तो फोन के अंदर है, ये कौन है, ये एक हो चुका है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि यार अब उसको सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा मिलने से अच्छा फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद है। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिली के अंदर जो आप अगर वहीं पर हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर शिप जैसे फील्ड के अंदर आप काम करते हो तो आप नहीं कर सकते। तो ये एक था, मैंने एक छोटा सा बेसिक कहा था कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इसके अंदर, आप क्या फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हो, कि आप ज्वाइन करके अगर आपको और सक्सेस होना है तो, और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए। तो गाइस छोटा सा वीडियो तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं हर एक वीडियो वंस अगेन कह रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो जो ऑयल प्लेटफॉर्म में मेरा जो डे था, जो पूरा रूटीन था मेरा काम का, जब मैं प्लेटफॉर्म के अंदर गया, जब मैं जहाज पर गया, मेरे जो स्टेप बाय स्टेप जितने सारे मेरे काम मिले, टास्क मिला, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।